हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ ये जो हमारी सोसाइटी में फूल लगे हैं वो दिखाते हैं। उसके बाद जो हमने सीडलिंग की थी उसका रिज़ल्ट दिखाते हैं, और फिर लास्ट में मैं आपको रोज़ की जो कटिंग लगाई थी उसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा। तो ये मैरीगोल्ड था जो अभी तक चल रहा है और बड़ी खूबसूरती से चल रहा है, और साइज़ भी फूल का ज़बरदस्त है। इसके अगर स्पेंट फ्लावर निकालते रहें तो बाकी जो नया निकलते हैं वो बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। ये मालियों ने एक जगह काम किया था, ये अमरेलिस लिली के प्लांट जो थे बल्ब वो निकाल के लाए थे, तो मैंने उसमें से चंद एक बड़े वाले अपनी घर के सामने जो बनी है क्यारी उसमें लगवाए हैं, साथ नेबर वाले के भी लगाए हैं। तो ये देखें, ये हमने पेटूनिया लगाया था, ये यूके से मेरे दोस्त हैं सुलेमान साहब, उन्होंने सीड भेजा था। ये ट्रेलिंग पेटूनिया है और बड़ी ज़बरदस्त सीडलिंग हुई है इसकी, फ्रेश सीड थे और अच्छा रिज़ल्ट मिला है हमें। तो इसको अब हम जितनी भी हमारी क्यारियाँ हैं, पार्क है, उस एरिया में रोज़ाना के हिसाब से लगा रहे हैं, क्योंकि सीज़न आउट हो जाएगा फिर। और कुछ इसी दौरान में हमें ग्रेप्स की वाइन्स की कलमें मिली थी, तो वो चूँकि हमारे पास टाइम नहीं था कि हम थैलियाँ भरें और उसमें लगाएँ, तो हमने फिर यही सोचा कि इसको बजाय वेस्ट करने के, ये एक रात मैंने भिगो के रखी थी क्योंकि ये लेट आई हैं, एक वीक इधर उधर फिरने के बाद ये आई थी, थोड़ी सूखी थी, तो उसको मैंने वेट किया एक रात और फिर हमने लगा दी। इसी तरह यहाँ पे शेड रहता है, धूप कम आती है, लेकिन ये है कि ग्रोथ के लिए ये मुनासिब जगह लगी तो यहाँ लगा। इसमें कुछ सीडलेस वराइटीज़ हैं और एक एक आई थिंक सीड वाली भी है, लेकिन अच्छा है जो हमें मिल जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। इसको अच्छी तरह पकड़ना है, बस इसको हिलना नहीं चाहिए। इसको हमने टैग लगा दिए हैं, जैसे ये रेड ग्लोब, ये अच्छी वैरायटी है लाल कलर का, इसमें अंगूर लगता है। बस कोशिश ये करनी है कि इसमें जैसे ये दराड़ें पड़ रही हैं ये ना पड़ें, ये बंद रहें और कलम को हिलाए नहीं, तो ये इंशाल्लाह होप सो कि इसमें से कुछ हमें मिल जाएगा रिज़ल्ट। बाकी कुछ अनार की कलमें थी और कुछ इंजीर की, फिक की, लेकिन वो ड्राई हो चुकी थी, उनमें से मुझे होप नहीं है कि कोई लगा दिए हमने। अनार की थोड़ी सी ग्रीन थी लेकिन होप नहीं है कि वो लगें, लेकिन फिर भी मैंने कहा वेस्ट ना हो, लगा देते हैं, अगर उसमें एक भी मिल गया तो कोई अच्छी वैरायटी निकल आएगी। इसके अलावा आपको गुलाब की दिखानी है तो आइए गुलाब की तरफ, ये देखें जी हमारा रिज़ल्ट। हमने मिच्योर कलमें लगाई थी और ऑलमोस्ट ऑल ही ग्रो कर गई हैं, देखिए फुल। अभी इस स्टेज पे इसको और तो नहीं दे, केयर यही करनी है कि इसकी जो मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन करें, ज़्यादा गीला भी ना करें क्योंकि रूट जो है फॉर्मेशन हो रही होगी और ज़्यादा पानी देंगे तो रूट गल सड़ सकती है। और पत्तों की हिफाजत के लिए अगर कोई नीम ऑयल का स्प्रे भी करना पड़े तो वो कर सकते हैं ताकि कोई बीमारी ना अटैक करे। अभी तो बहुत हेल्दी हैं, किसी में कोई मसला नहीं है, कोई एक आध अभी बाकी भी है तो वो भी इंशाल्लाह टाइम के साथ ग्रो कर जाएगी। तो वी कैन से कि ये 100x104 वाल बंद याद नहीं है मुझे लगाई थी, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट सब की सब में हो गई है ग्रोथ। तो दोस्तों ये था हमारा रोज़ का रिज़ल्ट, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब, नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू वेरी मच।